हेलो गाइस, वेलकम बैक टू HTML ट्यूटोरियल्स। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे न्यू लाइन br टैग। तो स्टार्ट करते हैं। दिस टैग इज़ एम्प्टी टैग। ये जो है ये एम्प्टी टैग है, इसका जो है वो क्लोजिंग पार्ट जो है टैग का वो नहीं है। इट रिप्रेजेंट्स ए लाइन ब्रेक इन HTML। ये जो है HTML में अगर हमने कोई लाइन ब्रेक करनी हो किसी भी टेक्स्ट के बाद, किसी भी कोड के बाद, तो हम इस टैग को यूज़ करते हैं। बी आर टैग इज़ यूज टू स्विच टू ए न्यू लाइन इन द टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट में अगर हमने कोई न्यू लाइन इंसर्ट करनी है तो हम जो है बी आर टैग को यूज़ करेंगे। इसको हम प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं कोड में कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होती है और इसको हम किस तरह यूज़ करते हैं। सो गाइज, आप देख सकते हैं कि हम टेक्स्ट एडिटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं और हमने यहाँ पे पहले ही से कोड लिखा हुआ है। हम इस कोड के अंदर ही उस टैग को यूज़ करेंगे, बी आर टैग को, और हम उसकी वर्किंग को देखेंगे। तो यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर जो है हमने एक टेक्स्ट को पुट किया है। अगर आपने मेरा इस HTML का प्रीवियस ट्यूटोरियल नहीं देखा, क्रिएट प्लेन टेक्स्ट HTML वेब पेज, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, तभी आप इस चीज़ को बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पे हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे जो है फुल स्टॉप है। फुल स्टॉप पे के बाद हम न्यू लाइन इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे बी आर टैग को यूज़ करेंगे। तो जैसे ही हम बी आर टैग को यूज़ करेंगे तो आप देख सकते हैं, इसके बाद हम बी आर टैग यूज़ करने के बाद इसको सेव करेंगे कंट्रोल प्लस एस प्रेस करके। उसके बाद हम यहाँ पे इसको ओपन इन ब्राउज़र करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही पहली लाइन जो है वो एंड हुई है, उसके बाद जो है टेक्स्ट जो है न्यू लाइन पे स्विच हो गया है। अब हम इसको देखेंगे, अगर आपने एक से ज़्यादा लाइनें जो है उसमें लाइन का जो ब्रेक है उसको इंसर्ट कराना है, तो आप यहाँ पे मज़ीद और भी बी आर टैग्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम तीन बी आर टैग्स को यूज़ करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। इसको हम यहाँ पे सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम ब्राउज़र में इसको ओपन करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है एक यहाँ से लाइन जो है लाइन ब्रेक इंसर्ट हुआ है और दो यहाँ पे लाइन ब्रेक्स जो हैं वो इंसर्ट हुई हैं, और जो हमारा नेक्स्ट टेक्स्ट है वो यहाँ पे स्विच हो गया है। मज़ीद ऐसे इम्प्लीमेंटेशंस हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। मज़ीद हम टैग्स को यूज़ करेंगे और इसको टेक्स्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। सो दैट वॉज इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।